की बड़ी खबर की ओर नजर डालेंगे जो हमारे पास आ रही है देवास से, जहां पर अनियंत्रित होकर चने से भरा ट्रक पलटा है। आपको बता दें हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं, जिला अस्पताल में जिन्हें भर्ती किया गया है। एपी रोड पर बिलावली की पूरी ही घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देवास से, जहां पर एक अनियंत्रित होकर चने से भरा ट्रक पलटा है। आपको बता दें कि इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं, घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है जहां पर उनका इलाज जारी है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े संवाददाता एहतिशाम कुरैशी। एहतिशाम, आपसे जानना चाहेंगे, देवास की बात कर रहे हैं जहां पर एक अनियंत्रित होकर चने से भरा ट्रक पलटा है, 3 लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं, क्या है पूरा घटनाक्रम? जी बिल्कुल सुनील, मैं बताऊंगा कि एक ये जो पूरा मामला देवास के बैंक रोड पर थाना क्षेत्र के एपी रोड पर स्थित जो है बिलावली गांव जो है वहां की ये पूरी घटना है। और एक अनियंत्रित जो ट्रक था वो जो है पलटी खा गया है, और ये इस ट्रक में जो है प्याज और चना भरा हुआ था। और मैं ये बताना चाहूंगा कि ट्रक जो है इंदौर से लखनऊ की ओर जा रहा था। और दुर्घटना में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि सुनील के 3 लोग घायल हो गए, जिनको 108 एम्बुलेंस और पुलिस की डायल 100 वैन जो है मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया। अगर यहाँ पर घायलों की बात की जाए तो क्या कुछ उनकी स्थिति इस वक्त बताई जा रही है, क्या उनकी हालत खतरे से बाहर है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि उनकी जो स्थिति है घायलों की खतरे से बाहर है। लेकिन जिस तरह से सुनील, मैं बताना चाहूंगा कि ये ट्रक जिस तरह से पलटा, तस्वीरों के माध्यम से भी हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि ये ट्रक में पलटने के बाद जो है ड्राइवर और एक और व्यक्ति और ये अन्य एक और व्यक्ति तीनों जो है फंस गए थे, फिर जो उनको निकाला गया। और उसके बाद जो है डायल 100 पुलिस और जो है 108 एम्बुलेंस जो है मौके पर पहुंची और घायलों को जो है जिला अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल जो है उनका इलाज जो है जिला अस्पताल में जारी है। एहतिशाम, जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।